डैड तो बहुत एनर्जेटिक इंसान है। सुबह 5 बजे उठेंगे, उसके बाद जॉगिंग को जाएंगे 6 बजे, फिर 1 घंटे के बाद आएंगे 6 किलोमीटर राउंड मार के, और फिर जो टाइम रहता है लाइक 11 बजे से रात सोने तक वो पूरा केबीसी के पढ़ाई में लगा देते। मेरा नाम गजानन रासम है। आपने मुझे केबीसी के 33 नंबर एपिसोड में देखा ही होगा। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि एशियन पेंट्स मेरे घर में रंग भरने के लिए आ रहे हैं, तो आज ये मेरे साथ। मैं गोवा पणजी से हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटे हैं। हम चारों लोग यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ बैठ के हम टीवी देखते हैं, खाना भी यहाँ खाते हैं, कुछ गपशप करना है तो इधर ही करते हैं हम। और मेरा जो केबीसी का जो प्रिपरेशन होता था वो इधर बैठ के ही होता था, तो मैं इस फ्लैट को मैं बहुत मेरा लकी फ्लैट समझता हूँ। डैड का सबसे बड़ा सपना था अमित जी से मिलने का। जब मैं 15-16 बरस का था, एवरी संडे कहाँ भी पिक्चर लगने, दो दो तीन तीन घंटा थिएटर के बाहर लाइन लगाते थे और उनका पीछे देखते थे, और उनको मुझे मिलने की बहुत चाहत थी, लेकिन कैसा मिलेगा। 2000 साल में मेरे डैडी ने केबीसी का प्रिपरेशन चालू किया। 2004 से अभी 2018 तक 14 साल में ट्राई करते रहेगा। बैक टू बैक पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, हर एक एपिसोड देखेंगे केबीसी का। कभी भी कुछ पेपर पढ़ता हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं, मैं तो तुरंत लिख के ले जाता और मेरा जो नोटबुक होता है उसका मैं उसका एंट्री करता था। और इसमें बुरा ही क्या है, समझो मुझे केबीसी नहीं मिला, मेरा पढ़ाई तो होता है, मेरा नॉलेज बढ़ता है। सबसे टफेस्ट होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मेरे छोटे लड़के ने एक ऐप बनाया था जिन पे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे ही डैड को केबीसी का कॉल आया, सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, वो तो पूरा नाचने लगे, यस यस करके, हाथ ऊपर करके, आई हैव डन इट करके। ये घर मुझे बहुत लकी है, 14 साल राह देखने के बाद जैसा भरत जी को राम जी मिले वैसा मुझे अमित जी मिले। केबीसी में जाके मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, इसीलिए एशियन पेंट्स मेरे घर में आ रहे हैं और खुशी के रंग भरने के लिए। ये मेरे फैमिली के लिए सरप्राइज है। अरे सब चेंज है, क्या था कैसा, एकदम पूरा चेंज हुआ है। टेक्सचर बहुत अच्छे से किया है ये। अमिचर मैं दोनों का फोटो यार, बर्थडे का फोटो है, फिर ब्यूटीफुल, फिर मस्त मस्त किया। लाइट में अच्छा है, चीज भी खेल सकते हैं ना, वेरी ब्यूटीफुल यार। द थिंकिंग चेयर इसको बोलेंगे आज से, जो आपका नया बुक आप लिखने वाले हो जीके के ऊपर काम करना। गुड अच्छा, नहीं नाइस, वेरी गुड, थैंक यू एशियन पेंट्स हमारी जिंदगी में और हमारे घर में इतने सारे रंग भरने के लिए। हमने सोचा भी नहीं था हमारा घर इतना सुंदर लगेगा। थैंक यू केबीसी एंड एशियन पेंट्स। मैं जब केबीसी का तैयारी कर रहा था तो बाहर मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव मेरा बहुत मजाक उठाते थे, लेकिन मेरे घर में मेरे वाइफ ने और मेरे दोनों लड़के ने मेरे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो गोवा में एक दिन मैं मार्केट में गया था तो सब लोग मुझे हाथ दिखाते, गजानन गजानन सर, गजानन सर, कोई वो सेल्फी लेता है, आपने बहुत अच्छा किया, गोवा का नाम बड़ा ऊपर लाया, ऐसा बहुत बहुत लोग बोलने लगे। गोवा का सब पेपर वाले मेरा इंटरव्यू लेके गए और पूरा गोवा मुझे अभी पछताता है। गोवा में आया था 27 साल पहले, तो मेरा एक ड्रीम था गोवा में एक छोटा सा रिटर्न डालेगा मैं, रोज उसका नाम में रखेगा होटल केबीसी, ऐसा मैं सोचा हूँ। मुझे लगता है कोई भी सपना छोटा नहीं होता, जैसा मेरा हो गया, मेरे फैमिली ने मुझे सब सपोर्ट किया और मेरा सपना था कि अमित जी को मिलना, केबीसी जाना, उसके लिए 14 साल मेहनत किया और मुझे उसका बहुत अच्छा फल मिला। मैं सबको बोलता हूँ कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। घर का सबसे खूबसूरत डेकोरेशन है उसमें बसी खुशियाँ। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है।